एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जैसे मैंने रात आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया था कि सुबह को मैं जो एक्सपेक्टेड राउंड 2 की कट ऑफ है UP आयुष काउंसलिंग के लिए वो बता दूंगा। जैसे ही रिजल्ट आया था मैंने उसके तुरंत बाद सभी कॉलेजेस की कॉलेज वाइज कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी वो बता दिया था आपको। अभी इस वीडियो में जो ओवरऑल कट ऑफ रही थी BAMS, BHMS और BUMS के लिए UP आयुष काउंसलिंग राउंड 1 2023-24 की वो बताने वाला हूँ, और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है राउंड 2 में UP आयुष काउंसलिंग की। तो अगर राउंड 1 की कट ऑफ की बात की जाए, मैंने कॉलेज वाइज तो बता दिया था आपको, अगर आपने वो कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। उसमें जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, वो चाहे BAMS के हों, BHMS के हों या फिर BUMS के हों, कैटेगरी वाइज कट ऑफ सबकी मैंने बता दी है। और ओवरऑल ऑफ कट ऑफ की बात की जाए तो उसमें मैंने डिस्कस नहीं की थी, अब बता देता हूँ। अनरिजर्व ओपन के लिए BAMS में बात की जाए तो 55,335, और जो मैंने इससे पहले एक्सपेक्टेड राउंड 1 की कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उससे लगभग जो कट ऑफ है वो सेम रही, सिर्फ BHMS में जो मैंने बताया था उससे लो गई है। बाकी अगर BMS में देखेंगे तो कम्प्लीटली मैच कर गई, और BUMS में भी पूरा मैच कर गई, सिर्फ यहाँ पर जो OBC और EWS में थोड़ी सी लो गई जो मैंने बताया था उससे, बाकी सेम रही। BMS में देखेंगे तो मैंने बताया था 48,000 से 55,000, और उसी के आसपास यहाँ पर देखेंगे तो 55,335 गई है। BMS में तो लगभग ओवरलैप कर गई, जो मैंने बताया था उसी के अराउंड पूरी गई है कट ऑफ। और OBC ओपन की बात की जाए तो 59,347 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया है फर्स्ट राउंड में EWS ओपन से, 62,407 SC ओपन से, 194,622 ST ओपन से, 690,586 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिल गया है BAMS में। और ये कम्प्लीटली ओपन रैंक्स हैं, सब कैटेगरी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जैसे आपको पता होगा UP के अंदर बहुत सारे कोटा हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन, NCC और अदर कोटाज भी यहाँ पर हैं, फ्रीडम फाइटर का कोटा है, तो उसी तरह से उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ जनरल से लिया है सबको। BHMS की बात की जाए अनरिजर्व ओपन के लिए 250,597, BC ओपन के लिए 310,800 और EWS ओपन के लिए 327,922, SC ओपन के लिए बात की जाए 410,564, ST ओपन के लिए 990,985 तक BHMS का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। BMS की बात की जाए तो अनरिजर्व ओपन से 140,820 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया, और OBC ओपन की बात की जाए 168,154 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया है। अगर EWS ओपन की बात की जाए 179,890 तक मिल गया है। SC ओपन की बात की जाए 674,730 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया है। ST में यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। ये था फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ रही है। अब इसके बाद जो मैंने एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ वह है राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, UP आयुष राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023, ठीक है, कैटेगरी वाइज BAMS, BHMS और BUMS के लिए। तो ये जो ऑल इंडिया रैंक है ये मोस्टली सेकेंड राउंड में रहने वाली है, और अगर इससे थोड़ी बहुत हाई रही तो फिर मोपअप तक ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगी। मतलब इतने पे अगर आपकी ये ऑल इंडिया रैंक है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडेंट की जैसे क्वेरीज थी कि एक बार सेकेंड राउंड की कट ऑफ बता दीजिए उसकी बेसिस पर ही, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका नीट का एग्ज़ाम 2024 वाला होगा उसमें 6 से 7 महीना सिर्फ बचा है, और अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं की सिर्फ इस सोच में कि पहले पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाए, पूरी काउंसलिंग लगभग नवंबर में ख़त्म होगी और तब तक आपके पास सिर्फ 4 से 5 महीना बचेगा, जो कि बहुत कम टाइम है आपको नीट 2024 के लिए। तो जितने स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं वो अपने मार्क्स के और रैंक के अकॉर्डिंग देख लें, अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है। और सिलेबस तो आपको पता ही है, नीट का सिलेबस एकदम समंदर की तरह है जिसमें आपको काफ़ी टाइम और मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत है। तो जितने भी स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो एकदम सही से जुड़ जाएं, काउंसलिंग अगर साथ में कर रहे हैं तो करते रहने दें उसको। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा काउंसलिंग वगैरह में कोई डाउट है तो आप पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जहाँ पर कंप्लीट आपके डाउट्स क्वेरीज जो है टीम सॉल्व करके आपको देगी, और प्रेफरेंस लिस्ट भी कॉलेजेस की, ठीक है। और अगर बात की जाए, हाँ, इसमें ये भी क्वेरीज बहुत सारे स्टूडेंट की थी कि UP आयुष का राउंड 2 शुरू कब होगा। तो अभी फर्स्ट राउंड जैसे कंप्लीट हो गया, यहाँ पर एडमिशन जो वेरिफिकेशन वो चल रहा है, फिर उसके बाद एडमिशन चलेंगे। तो राउंड 2 की अगर बात की जाए डेट की, तो ऑल इंडिया का जब सेकेंड राउंड हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद ही स्टेट का सेकेंड राउंड होगा। जैसे पहले ही आपको बताया था मैंने, जो प्रोसेस रहने वाला है वो रहने वाला है AA CCC का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, फिर AA CCC का सेकेंड राउंड होगा, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड होगा, ये ऑर्डर रहने वाला। फिर उसके बाद AA CCC का थर्ड राउंड, फिर स्टेट का थर्ड राउंड, तो यही ऑर्डर चलने वाला है। हालांकि कुछ स्टेट में अभी भी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, वहाँ पर क्या रीज़न रह रहा है उसका नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ पर शुरू हुई है वो इसी ऑर्डर में चलेगी।
अब ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड जो है शुरू हो जाएगा, उसका मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ऑलरेडी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है डेट से रिलेटेड, तो जितने स्टूडेंट ने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था ऑल इंडिया में या करना चाहते हैं वो कर लेना, और जिन्होंने किया था उनको कॉलेज नहीं मिला उनको क्या करना है वो भी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, 10 से 11 बजे तक उस वीडियो को भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए तो एकदम ये सेफ वाला मैंने लेके चला है, जिनको सेकेंड राउंड में मोस्टली चांसेस मिल जाएँ, और अगर थोड़ी बहुत और हाई रही किसी वजह से तो फिर मॉपअप तक तो डेफिनेटली आपको इस रैंक पर मिल ही जाएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर आपको काफ़ी हाई कट ऑफ दिख रही है, ये जब डबल ए ट्रिपल सी का फर्स्ट राउंड चल रहा था उस टाइम पर नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतनी हाई जाएगी, इस वजह से स्टूडेंट को जो वहाँ पर कॉलेज मिले उन्होंने छोड़ दिए सिर्फ ये सोच करके अपने स्टेट में लेंगे। तो अभी जो डबल ए ट्रिपल सी का सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, उसमें सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें और जो कॉलेज मिल जाता है आप उसमें एडमिशन लें, क्योंकि स्टेट में तो आपको दिख ही रहा है कितने ख़राब हालात यहाँ पर चल रहे हैं, सीट्स भी काफ़ी डिक्रीज़ हो गई हैं, तो डबल ए ट्रिपल सी में आपको सीट मिलेगी और वहाँ पर कट ऑफ भी कम रहने वाली है, उसकी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड टू की वीडियो मैं बना दूंगा, आप उसको भी देख लेना। यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड राउंड टू की कट ऑफ की बात की जाए BAMS के लिए अनरिजर्व ओपन से 62,000 से 65,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और OBC ओपन की बात की जाए 67,000 से 69,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और EWS ओपन से बात की जाए 69,000 से 71,000 ऑल इंडिया रैंक तक, SC ओपन से 200,000 से 205,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और ST ओपन से 700,000 से 710,000 ऑल इंडिया रैंक तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। UP कोटा से राउंड टू में कॉलेज आपको मिल जाएगा। BHMS के लिए बात की जाए 260,000 से 270,000 ऑल इंडिया रैंक, BC ओपन से बात की जाए 320,000 से 325,000 ऑल इंडिया रैंक, और EWS ओपन से 335,000 से 342,000 ऑल इंडिया रैंक, SC ओपन से 420,000 से 430,000 ऑल इंडिया रैंक, और ST ओपन से 1,000,000 से 1,010,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एक्सपेक्टेड है। BAMS की बात की जाए तो राउंड टू में जो आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, अनरिजर्व ओपन से बात की जाए 150,000 से 165,000 ऑल इंडिया रैंक, और OBC ओपन से 178,000 से 185,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS ओपन से 187,000 से 195,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, SC ओपन से 690,000 से 720,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एक्सपेक्टेड है, सीट मिल जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड रैंक है, इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग देख लें, जिनको भी लगता है कि यहाँ पर नहीं मिलने वाला है वो ऑल इंडिया कोटा से सीट ले लें। जैसे यहाँ पर BOMS वाले स्टूडेंट भी अपने आप को देख सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर आपको अगर 200,000 तक भी रैंक है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाएगी। उसी तरह से BHMS वालों को, हालांकि BHMS की फिर भी ठीक ठाक गई है, ऑल इंडिया में अगर आपकी 2,00,000 रैंक तक है और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलने के चांसेस हैं, ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगी। उसी तरह से जितने अनरिजर्व कैटेगरी के BAMS वाले छात्र हैं वो सभी देख लें कि ऑल इंडिया कोटा से अगर आप बात करेंगे तो 80,000 से 90,000 तक, अगर आप सेमी गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करेंगे तो 90,000 से 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगी। उसकी भी एक्सपेक्टेड राउंड टू की जो कट ऑफ है वो मैं बता दूंगा आपको। तो जिनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है वो ऑल इंडिया कोटा को ट्राई कर लें अगर लेना ही एडमिशन, और अगर नहीं लेना तो फिर आप अपनी तैयारी जो है सही से शुरू कर दें, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम कम रह गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में मैं ऑल इंडिया कोटा का यानी डबल ए ट्रिपल सी का राउंड टू के बारे में बता दूंगा, उसके बाद जो शुरू होने वाला है उसके बाद उसकी जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगी राउंड टू की वो भी बता दूंगा। तो आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू।